सभी का देश में तेजी से बढ़ता हुआ रबजी लाइव में। आज मैं बेगूसराय में हूँ। बेगूसराय में मेयर की चुनाव होने वाली है, हालांकि अभी डेट की घोषणा नहीं हुई है। आने वाले 1 से 2 महीने में इसकी ऐलान कर दी जाएगी और कुछ कैंडिडेट वोट बैंक बनाने के लिए और कुछ कैंडिडेट अपने पूरी हिस्ट्री को लिखने के लिए जा चुके हैं अपने क्षेत्र में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र पद्धार जी। सुरेंद्र पद्धार जी, स्वागत है हमारे रबजी लाइव न्यूज चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आखिर आपके मन में क्या चला और पहले आप क्या कर रहे थे और एकाएक मेयर की चुनाव लड़ने का योजना आपके मन में, आपके जहन में कहां से आई? नगर निगम में जो समस्या है उसको देखते हुए यहाँ की जो जनता है उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसको देखते हुए हमारे जहन में आया कि मैं चुनाव लड़ूं। अगर सफलता मिलती है तो जनता जनार्दन की मनोकामना को पूरा करूं। अगर आपको जनता वोट दे देती है, मेयर की कुर्सी आपके जिम्मा कर देती है, तो किन किन मुद्दे और आपके विकास का जो एजेंडा रहेगा वो क्या क्या रहेगा? यहाँ मास्टर प्लान मैं बनवाऊंगा, दूसरा रोड चौड़ी करवाऊंगा, तीसरा साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था करूंगा, रोशनी की व्यवस्था करूंगा और बेगूसराय में जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी वार्ड पड़ते हैं उसका जो मतलब कि गली है या छोटी सड़क है उसका भी डेवलप कर निर्माण कराऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।